गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के विद्यार्थी हिंदी विषय के स्पर्श नामक बुक में गतिखंड के चैप्टर नंबर 4 तुम कब जाओगे सचिव, इसके लेखक शरद जोशी हैं, इसको पढ़ेंगे। इसमें आप इससे पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, वहाँ से आगे आरंभ करेंगे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अतिथि जो 4 दिन से उस गृह स्वामी के यहाँ रुका हुआ है, और गृह स्वामी ये चाहता है कि कब वो अतिथि यहाँ से जाने की बात कहे, लेकिन अतिथि 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक जाने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। उसकी इस तरह की मनः स्थिति को देख करके गृह स्वामी बड़ा व्याकुल है, परेशान है। वो उससे कह भी नहीं पा रहा कि आप चले जाइए, और संकेतों के माध्यम से वो उसे जताना भी चाहता है कि अब आपका रुकना हमारे लिए एक भार स्वरूप है। इन इशारों को शायद वो अतिथि समझ ले, लेकिन वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो पा रही। और तीसरे दिन जहाँ लेखक ये विचार कर रहा था कि अब शायद अतिथि अपने जाने की बात कहेगा, लेकिन अतिथि ने कहा कि मैं कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को देना चाहता हूँ, और जब धोबी को कपड़े धुलवाने के लिए देने की बात सामने आई तो लेखक के ऊपर एक वज्रपात सा हुआ कि इसका तात्पर्य 3 दिन बीतने के बाद भी वो अभी जाना नहीं चाहता। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। कल्पना के विपरीत, जहां अतिथि के बारे में गृह स्वामी सोच रहा था कि आज तीसरे दिन तो अतिथि जाने की बात करेगा, लेकिन जब उसने जाने के स्थान पर कपड़े धुलवाने की बात कही तो एक अचानक आघात लगा और बड़ी मार्मिक चोट उसके हृदय पर पड़ी। अतिथि ने विचार किया, गृह स्वामी ने विचार किया, तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक और रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। गृह स्वामी सोचने लगा कि आपका साथ जो मुझे मिला है उसका समय, वेला कहते हैं समय, उसका समय इस तरह से रबर की तरह खिंचता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा, इसका मैंने अनुमान भी नहीं लगाया था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, और तब उस गृह स्वामी ने महसूस किया कि गृह की अतिथि का रूप हर समय देवताओं वाला नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया था अतिथि देवो भव, अतिथि को हमारे यहाँ देवता के रूप में माना गया, अतिथि का आना बड़े सौभाग्य की बात होती है गृह स्वामी के लिए, लेकिन वो सौभाग्य तब है जब अतिथि अतिथि के रूप में आए। यहाँ अतिथि एक भार बन गया था उस गृह स्वामी के ऊपर, और गृह स्वामी चाहता था कि वो अतिथि चला जाए, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। देवता वो जो कोई गलती नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, देवता से उसे मानव लगा। मानव जो गलतियां करता है लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन मानव से भी अधिक वो उसको राक्षस प्रतीत होने लगा। राक्षस जो गलतियों पे गलतियां करता है और उनको स्वीकार भी नहीं करता, उनको सुधारने की कोशिश भी नहीं करता, और वही स्थिति
आज उस अतिथि की थी जो गलती पे गलती कर रहा था, एक दिन दो दिन तीन दिन उसको हो गए और तीन दिन बाद भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, उस गृह स्वामी की मन स्थिति के बारे में विचार नहीं कर रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में विचार नहीं कर रहा था। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास कर रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। और जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही तो गृह स्वामी ने कहा कि ठीक है धुलवाने के लिए लॉन्ड्री पर दे देते हैं। और मन में एक विचार जगा उसके कि शायद है कि अब कपड़े धुलवाने के बाद अतिथि जाने के बारे में विचार कर लेगा और वो यहाँ से शीघ्रता से चला जाएगा। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा। और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। जब अतिथि ने पूछा कि वो लॉन्ड्री कहाँ है तो लेखक ने उससे साथ चलने की बात कही और अपने वस्त्र पहनने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अपनी मनोदशा को दर्शाते हुए गृह स्वामी ने कहा कि पत्नी ने जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और प्रत्युत्तर में मैंने कहा कि लॉन्ड्री पर इनके कपड़े धुलवाने के लिए देने हैं, तो मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। बड़ी बड़ी यहाँ एक व्यंग किया है, बड़ी आंखें वैसे तो बड़ी सुंदर बताई जाती हैं, शोभा बढ़ाती हैं वो व्यक्ति की, लेकिन यहाँ बड़ी आंखें होने से तात्पर्य उन आंखों में आश्चर्य और व्यंग्य दोनों थे। नाराजगी थी कि तीन दिन बीतने के बाद भी आप इनको जाने के लिए नहीं कह पा रहे, इनके कपड़े धुलवाने की बात कर रही है, इसका तात्पर्य यह है कि अतिथि तीन दिन के बाद भी अभी जाना नहीं चाहते। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी इन्हीं बड़ी आंखों को देख करके लेखक ने कहा कि मैंने अपने एकाकी जीवन को समाप्त कर दिया था, अर्थात उनकी उन बड़ी बड़ी आंखों पर मैं मुक्त हो गया था और आज वही बड़ी आंखें मेरे हृदय को डरा देती हैं, मन छोटा होने लगता है, अर्थात मन में एक ग्लानि का भाव भर जाता है, एक दुख का भाव, एक कष्ट का भाव भर जाता है। और निश्चित रूप से वो इस आशंका से बड़ी हुई थी कि इसका तात्पर्य है कि अतिथि अभी कुछ और दिन यहाँ पर ठहरेगा, अर्थात वो जाने का नाम नहीं लेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी, और ये जो अनजाना भय था, ये जो आशंका थी वो निर्मूल नहीं थी, अर्थात निरर्थक नहीं थी, सच थी वो। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो, अर्थात वो अतिथि तीन दिन बीतने के बाद भी जब कपड़े दे दिए गए धुलने के लिए, कपड़े वापस भी आ गए, लेकिन अतिथि ने जाने का नाम नहीं लिया। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। लेखक ने कहा कि आपके भारी भरकम शरीर से शिकड़नों को समेटे हुए चादर बिस्तर से बदली जा चुकी है, अर्थात उसका भी समय व्यतीत हो गया, उसका भी समय समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी आप जाने का नाम नहीं दे रहे। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। आते समय उस अतिथि की जो एक मुस्कुराहट थी उसके स्वागत में, उसके आने की खुशी में, वो मुस्कुराहट भी अब फीकी हो गई, अर्थात बनावटी हो गई है, हृदय से उत्पन्न होने वाली नहीं है, केवल दिखावटी रह गई है उसको दिखाने के लिए,
कि हाँ हम आपके रहने से कोई परेशानी नहीं उठा रहे, कोई कष्ट नहीं उठा रहे। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। आरंभ की बातचीतों में जो अपनापन था वो अपनापन अब समाप्त हो गया है। मुक्त हृदय से उसकी बातों को सुनकर के या आपस में बातें करके जो ठहाके गूंजते थे वो ठहाके समाप्त हो चुके हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अर्थात जितना जानकारी एक दूसरे से ली जा सकती थी, बातचीत की जा सकती थी, वो बातचीत भी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई विषय बचा ही नहीं। सारे विषयों पर वो गृहस्वामी और अतिथि बातचीत कर चुके हैं और एक प्रतीक दिया। एक उन्होंने कहा कि जिस तरह से गेंद चारों कोनों को स्पर्श करके बीच में आकर के स्थिर हो जाती है, उसी तरह से हमारी बातचीत भी विभिन्न विषयों से होती हुई आज इस स्थिति में आ गई है कि हमारी बातचीत के लिए कोई विषय नहीं बचा। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पढ़ रहे हो। अर्थात दोनों एक दूसरे से कटे हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उस अतिथि के पास भी कोई कार्य नहीं है, गृह स्वामी उसकी वजह से अपना कार्य नहीं कर पा रहा और दोनों ही केवल समय व्यतीत कर रहे हैं। गृह स्वामी के मन में ये भाव है कि अतिथि कब जाए और मैं अपने अन्य कार्यों को व्यवस्थित करूं, और अतिथि है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुप गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब सनह सनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गौत से तुम्हारा व्यक्तित्व तो यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक जो स्वाभाविक बातचीत की प्रक्रिया होती है, जो स्वाभाविक बातचीत के विषय होते हैं पुरुषों के मध्य, उन विषयों के बारे में लेखक ने कहा कि परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, नौकरी के बारे में, फिल्म के बारे में, राजनीति के बारे में, अन्य जो हमारे अपने एवं बाह्य विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा की जा सकती है, उन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके। यहाँ तक कि साहित्य, महंगाई की समस्या जो एक आम व्यक्ति की समस्याएं हैं, उन सभी के बारे में हमने आपस में चर्चा कर ली। और यहाँ तक कि हमारी जो मीठी स्मृतियाँ थीं कॉलेज टाइम की, विद्यालय के समय की, या उसके बाद का जो समय था हमने साथ व्यतीत किया था, उन सभी के बारे में हम एक दूसरे से बातचीत कर चुके और बातें समाप्त हो चुकी हैं। एक चुप्पी हम दोनों के मध्य छा चुकी है, अर्थात अब हमारे लिए बात करने को कोई समय नहीं रह गया। सौहार्द अब सनय सनय बोरियत में रूपांतरित हो रहा है और हमारे बीच का जो प्रेम था वो धीरे धीरे अब रूपांतरित
तो जो हमारा सौहार्द था, जो आपस की अपनत्व की भावना थी, प्रेम की भावना थी, वो अब बोरियत में बदल गई है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। आपके प्रति जो हमारे हृदय में अपनत्व का भाव था, प्रेम का भाव था, मिठास का भाव था, वो अब कड़वाहट में बदल रहा है। आपके लिए मन में गालियां उत्पन्न हो रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। इतना सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस सब के बाद भी आपके मन में यहाँ से जाने का विचार जन्म नहीं ले रहा। किस अदृश्य गौण से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, पता नहीं ऐसा कौन सा अदृश्य। अदृश्य कहते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं देता। ऐसा गोंद जो चिपकाने का कार्य करता है, न जाने ऐसे कौन सा अदृश्य गोंद है जिसके कारण आप यहाँ पर चिपक गए हैं, आपका व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा, मेरा पूरा परिवार इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा है, मेरा पूरा परिवार इस रहस्य को समझना चाहता है, लेकिन फिर भी हम इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, और बार बार मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, कब अब हमें आपसे मुक्ति मिलेगी। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये, गृहस्वामी ने बताया कल, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। कल पत्नी ने पूछा कि ये कब तक रुकेंगे, कब जाएंगे, लेकिन मेरे पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, और प्रश्न का उत्तर न होने के कारण मैंने कंधे उचका दिए, अर्थात सांकेतिक रूप में मैंने अपनी जो आशंका थी, जो मेरा उत्तर था, वो मैंने सांकेतिक रूप में दे दिया कंधे उचका करके। क्या कह सकता हूँ, और कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कब जाएंगे, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी बनाओ। और तब पत्नी ने कहा कि आज मैं केवल खिचड़ी बना रही हूँ, हल्के भोजन के लिए सही रहेगी। और लेखक ने या गृह स्वामी ने उसकी इस बात को सहमति प्रदान कर दी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई रही थी, डिनर से चले थे खिचड़ी पर आगे। या फिर से व्यंग किया कि इस तरह से अतिथि जब जाने का नाम नहीं लेता और निरंतर रुका रहता है, तो फिर गृह स्वामी की घर की स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है, उसकी भावनाएं यहाँ तक पहुँच जाती है। एक शानदार डिनर से आरंभ किया था लेखक ने उस अतिथि के आतिथ्य सत्कार में, और उस डिनर से लेकर के आज स्थिति भोजन में खिचड़ी तक पहुंच गई। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते, तो हमें उपवास तक जाना होगा। और लेखक ने मन में विचार किया उस अतिथि के प्रति कि खिचड़ी को भोजन के रूप में खाने के बाद भी यदि आपके मन में यहाँ से जाने का विचार उत्पन्न नहीं होता, बिस्तर गोल करना अर्थात बिस्तर उठाना जाना, तो हमें उपवास तक जाना होगा, अर्थात खिचड़ी के बाद अब हम उपवास आरंभ करेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे और मेरे संबंधों में अब एक दरार उत्पन्न हो रही है। आप अब हमको एक ऐसी अवस्था के रूप में प्रतीत हो रहे हैं कि अवस्था परिवर्तित तो हो रही है, बदल रही है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अब यह स्थिति ऐसी हो गई है जो असहनीय है, इसके बाद की स्थिति को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा।
ये चरमोत्कर्ष है। चरम जो ऊंचाई पर पूरी तरह से जहां तक पहुंचना है वहां पहुंचने के बाद फिर समाप्ति की ओर होता है, ऐसे चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है मेरा और तुम्हारे संबंधों का ये दौर, और अब आपको चले जाना चाहिए, अब आपको यहां पर सहन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूं दूसरों के यहां अच्छा लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहां रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत ही कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। एक घर ने कहा तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है और दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि सब कुछ समय से मिलता है, न वहाँ कोई कार्य करना है, न वहाँ कोई मेहनत करनी है, न अपनी जेब से कुछ खर्च करना है, सारी व्यवस्थाएं समयानुसार व्यवस्थित मिलती हैं। समय से जो भी कार्य है, चाहे वो नाश्ते का हो, भोजन का हो या अन्य हो, गृह स्वामी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिथि की समय के अनुसार सारी व्यवस्थाएं करें, और इसीलिए अतिथि दूसरों के यहाँ आनंद लेते हैं, सुख महसूस करते हैं, जाना नहीं चाहते। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, और उसके लिए गृह स्वामी ने कहा कि ये सत्य है कि दूसरों के यहाँ रहने में बड़ा अच्छा लगता है, और ये भी सत्य है कि यदि सभी का बस चलता तो सब दूसरों के यहाँ ही रहते, न कमाने की चिंता, न व्यवस्था करने की चिंता, समय के अनुसार सब कुछ उपलब्ध, आराम से खाइए और अपना बैठिए, बातें कीजिए, पुस्तकें पढ़िए, कुछ भी कीजिए, पर ऐसा हो नहीं सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सभी दूसरे के यहाँ जाकर के रुके रहें। अपना घर होता है, अपने घर को महान बताया गया और इसीलिए उसकी महानता के गीत गाए गए हैं। अपने घर को स्वीट होम कहा गया है, जहाँ सुख है, शांति है, लेकिन वो सुख और शांति आप हमारे घर की क्यों दूर करना चाहते हैं? क्यों आप हमारे उस शांति को भंग करना चाहते हैं, उस सुख को समाप्त करना चाहते हैं? तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आपको विचार करना चाहिए कि मनुष्य में शराफत नाम की भी एक चीज होती है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं सुख उठाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। ये मानवता नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, और एक जब सीमा पार हो जाती है, सीमा का जब अतिक्रमण हो जाता है, तो हो सकता है कि वो गृह स्वामी उस अतिथि को गेट आउट भी कह दे, क्योंकि उस अतिथि के आने के कारण उस गृह स्वामी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, उसकी शांति, उसका सुख पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और स्थिति यहाँ तक उत्पन्न हो गई है कि वो अब उसको गेट आउट कहने के लिए भी तैयार है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। अर्थात आज चार दिन व्यतीत हो चुके हैं उस अतिथि को, और उसकी
वहाँ रहने से कितनी कठिनाई, कितनी समस्याओं का सामना उस गृह स्वामी को करना पड़ रहा है, इसके लिए उसने एक प्रतीक दिया कि आपके खर्राटों से एक रात और गुंजायमान होगी, अर्थात आपके खर्राटों की आवाज़ को हमें एक रात और सहन करना होगा, और उसके बाद जो कल सूर्य की किरण निकलेगी वो पांचवें आपके यहाँ आगमन के पांचवें सूर्य की पहली किरण होगी जो आपके बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लेंगे। और एक आशा जगी उस गृह स्वामी के हृदय में कि जब पांचवें सूर्य की किरण आपके बिस्तर का स्पर्श करेगी, आपका स्पर्श करेगी, तो हो सकता है कि आपके मन में यहाँ से जाने का विचार जन्म ले ले और आप सम्मानपूर्वक यहाँ से वापस लौट जाए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी और मेरी भी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, अर्थात उस सुबह के बाद मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी और मैं आपको गेट आउट कहने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। गृह स्वामी ने कहा उसके बाद फिर मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं लड़खड़ा जाऊंगा, अर्थात मैं आपके साथ ये दिखावे का व्यवहार भी नहीं कर पाऊंगा और मेरे बातों में, मेरे व्यवहार में आपको कड़वाहट महसूस होने लगेगी। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। गृह स्वामी ने कहा मैं मानता हूँ, हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, और मैं अब तक आपको देवता मान भी रहा था, लेकिन मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। यहाँ फिर से व्यंग किया, आप देवता हैं और मैं एक साधारण मनुष्य, और एक साधारण मनुष्य और देवता का साथ अधिक समय तक नहीं निभ सकता, अधिक समय तक दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अब आपको चले जाना चाहिए। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। जिस तरह से देवता दर्शन देकर के वापस चले जाते हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हे अतिथि देव, अब आप भी इतने दिन तक हमें दर्शन दे चुके हैं, अब आपको भी वापस लौट जाना चाहिए, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा और आपका देवत्व भी इसी में सुरक्षित है, अन्यथा आपके देवत्व को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह मनुष्य अपनी वाणी पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ, क्योंकि मैं यदि मनुष्यता की निम्न श्रेणी पर उतर आया तो ये आपके और आपके देवत्व के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए अब आपको वापस लौट जाना चाहिए, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? और फिर एक दर्द उस लेखक के मन में, उस गृह स्वामी के मन में उत्पन्न हुआ कि हे अतिथि, आपके लिए मैंने इतना सब कुछ विचार कर लिया, आपके लिए मैंने इतना सब कुछ सोच लिया, और इसके बाद भी आप जाने का नाम नहीं ले रहे, और यहाँ निराशा में डूब जाता है वो गृह स्वामी कि हे अतिथि, आप न जाने यहाँ से कब जाएंगे। और ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर पूर्ण हो गया, और इसके जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। जैसे अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था, और अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी, नम्रता के साथ कैलेंडर की तारीखें फड़फड़ा रही थी, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, बड़े जोश के साथ एक शानदार डिनर देकर के उन्होंने उस अतिथि का स्वागत किया था,
और दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? दोपहर के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्गीय लंच की महिमा प्रदान की गई। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि मुझे धोबी को कपड़े धुलवाने के लिए देने हैं। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? और जब सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई तो लेखक के मन में ये भाव जन्म लेने लगे कि अब खिचड़ी से ही काम चलाना चाहिए, और डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए। तो ये तो थे आपके मौखिक प्रश्न। इसके आगे लिखित प्रश्न हैं और उन लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।